आज हमारे साथ 21 स्टूडेंट्स हैं। सो पहले हमें लगा कि आश्रम में आके पता नहीं सिंपल मेडिटेशन होगी या बोर तो नहीं हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स के लिए यही क्वेश्चन थे। बट जैसे हम यहाँ पे आए, स्पेशली जो सेशंस लिए गए स्वामी जी की तरफ से, मैम की तरफ से, वॉज आई एम स्पीचलेस अबाउट इट। एंड आई मस्ट टेल, सभी को एक बार एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन इज दैट इन टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी नेसेसरी टू स्पेंड सम टाइम फॉर आवरसेल्व्स, आवर पर्सनालिटी। एंड बिलीव मी गाइस, इट इज सो पीसफुल। So I really want that today's generation, young generation who don't know what actually spirituality is, for the once, at least once in their lifetime, they should experience the taste of real meditation. बहुत chaos रहता है हर दिन, जो usual lifestyle होते हैं सब में बहुत void रहता है दिमाग में, and फिर कुछ करने को मन नहीं करता है। बट ये जो एक सेशन था हमारा जो हुआ, जहाँ पे लाफिंग एंड पर्सनैलिटीज के बारे में थी, तो वो काफ़ी एक पॉज और एक ब्रेक की तरह था, जो मच नीडेड था डेली जो एक शेड्यूल होता है उसमें। तो या वेरी थैंकफुल, बहुत अच्छा लगा। डोंट फील ह्यूमिलिएट अबाउट मेडिटेशन विल हेल्प एवरीवन अ लॉट। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स टू फॉर द ओशो सेंजन। मतलब यंग जनरेशन को पता है स्पिरिचुअलिटी है, मतलब बहुत सी चीज़ें पता है, फिर भी मतलब कि कहीं ना कहीं बच्चे लैग करते हैं, वो उतनी उसमें क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे आके मुझे बहुत सी अपनी स्पिरिचुअलिटी के डाउट्स क्लियर हुए, क्लैरिटी हुई अच्छे से, सो दैट मैं अब अपनी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। पढ़ाई हम सभी कर रहे हैं, बट उस पढ़ाई का मोटिव क्या है, एक्चुअल में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो मैटर करता है। एजुकेशन तो सभी ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, सारे इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, चाहे हमारा काम है चाहे कुछ भी है, हमें टाइम नहीं मिलता कि खुद के लिए टाइम दे। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना सीखा, आज का दिन काफ़ी अच्छा था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। शायद मैं हॉस्टल जाऊँगी तो मैं लोगों को बोलूँगी, बच्चों को बोलूँगी कि हमने वहाँ पे ऐसा किया, हमने वहाँ पे ऐसा किया। तो मैं खुद से भी कोशिश करूँगी कि हाँ, जो मैंने आज किया उसको डेली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूँ, तो दूसरों को भी सिखाऊँ इस तरह से। ये बोलते हैं कि मेडिटेशन होती है वो बूढ़े लोगों के लिए होती हैं, सत्संग टाइप होता है। यंग जनरेशन है शायद आज उसको ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की। सभी ये चाहते हैं कि यहाँ दोबारा आए, तो ओवरऑल ये ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत ही कामिंग, पीसफुल। और जिस कारण से हम लोग यहाँ आए थे कि मन को शांति मिले, वो पूरी तरीके से पूरी हुई। आज के स्टूडेंट्स पर एक बहुत कई तरह से दबाव है, अपनी स्टडीज़ का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, कि फ्यूचर में चल के सक्सेस होगी कि नहीं होगी, और सोशल मीडिया की वजह से एक तरह का पीयर प्रेशर। इतने सारे चारों तरफ से प्रेशर जो मिल रहे हैं, इस वजह से वो अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ नहीं कर पाता है, फुल यूज़ नहीं कर पाता है। इंटेलिजेंस मतलब जो तरह तरह की इंटेलिजेंस उसके पास है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और काइनेस्थेटिक है। तीन तरह की इंटेलिजेंस बेसिकली एक रिसोर्स के तौर पर हासिल है उसे, तो वो इनका यूज़ नहीं कर पाता है प्रॉपरली। तो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को समझने के कारण इन तीनों इंटेलिजेंस का इंटरप्ले और इनकी फुल स्ट्रेंथ में कैपेसिटी को हम समझ पाते हैं, जो एक छोटा सा ब्रीफ सेशन हमने यहाँ स्टूडेंट्स के साथ किया था। और फिर मेडिटेशन के माध्यम से थोड़ा जो पीसफुल होना, माइंड को रिलैक्स करना भी उन्हें बताया गया था। ये बात सही है कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मेडिटेशन अगर कराने लगेंगे सीधा सीधा, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। मेडिटेशन की टेक्निक्स और उनकी भाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें ये पता चले, उन्हें समझ में आए कि हम ये टेक्निक क्यों कर रहे हैं, हम इस तरह की क्रियाएं क्यों कर रहे हैं, और ये हमें कहाँ लेके जा सकती है और हमें क्या फ़ायदा दे सकती है वर्तमान में, हमें यानी हमारी स्टडीज़ में, या हमारे मेमोरी के मैनेजमेंट में, टाइम के मैनेजमेंट में, स्ट्रेस को कम करने में, हमारी कैपेसिटीज और एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ये अगर उनको एक बार समझ में आता है तो वो आसानी से इस रास्ते पे आ सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा सेशन जो शूलनी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ किया है, हमारा वो हालांकि फुल डे कहने के लिए था, फुल डे हमें पूरा हुआ भी नहीं, दो तीन सेशन हम कर पाए। इस छोटी सी बात का हमने यहाँ ख्याल रखा कि हम उन्हें उनकी पर्सनैलिटी से रूबरू करा दें, और उसमें जो तीनों रिसोर्स हैं, जो बुद्धिमानी है, जो इमोशनल क्वेश्चन है, या सोशल क्वेश्चन है, या गट की इंटेलिजेंस है,
इसका एक स्ट्रक्चर उन्हें समझा दें कि जीवन के किस किस रास्ते पर किस तरह की बुद्धिमानी की और किस तरह की सेंसिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई में भी और आगे भी। तो क्या वो इन तीनों का सदुपयोग कर रहे हैं, वो मेडिटेशन की सही टेक्निक के रास्ते पर इन तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। ओवर यूज़ करना किसी इंटेलिजेंस को, दूसरे को अंडर यूज़ छोड़ देना है। तो ये उनको समझ में आया और शायद उनको यही अच्छा लगा। और फिर कई तरह की मेडिटेशन की क्रियाएं हमने यहाँ की, चैंटिंग भी की, ओम की, साइलेंट सिटिंग भी की, कुछ हमने अवेयरनेस की एक्सरसाइज भी की उनके साथ। तो उनको बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। जैसे ही ध्यान शब्द हम सुनते हैं तो ऐसे ख्याल आता है कि कुछ ज़रा गंभीर हो जाना है, कहीं सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, ये कोई ज़रा उम्र हो जाएगी तब करेंगे। तो इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ध्यान में होना, मतलब ऐसे जनरली भी हम बोलते हैं ना कि ध्यान से करो, कि कैसे हम अपने जीवन शैली में इसको लेकर के आ सके, जो भी हम कर रहे हैं, जहाँ भी हम जी रहे हैं। और ओशो ने तो इसको बहुत तरजीह दी है कि कैसी हमारी जीवन की शैली प्रेमपूर्ण और ध्यानपूर्ण हो सके। इतनी ऊर्जा है युवाओं के पास, आज हम देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कि वो उसको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिले तो वो फिर इधर उधर भटकेगी ही, सहज है। तो थोड़ा अगर उनके उस डायरेक्शन को समझाया जाए कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे, यह कुछ ऐसा है कि जिसे जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम अपने दैनिक क्रियाओं को करते हैं, वैसे ही यह भी एक विधि है कि जिससे हम सहज हो सकें, शांत हो सकें और मज़े में हो सकें। तो यहाँ ओशो सांजेन में ओशो के द्वारा बताई गई विधि हम करते हैं, और उन्होंने कभी भी इस बात को अलग नहीं रखा है कि क्यों यह अलग से धर्म है। तो यहाँ हम चाहेंगे कि आसपास जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने युवा वर्ग यहाँ आ सके और इस तरह के प्रोग्राम हम कर सके, और सत्यम और सरोवर इसका प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत आनंद का विषय है। यहाँ सोलन में जब हम यहाँ ये सेंटर बना रहे थे तो हमारे ख्याल में था कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चे यहाँ आते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम अगर हों कि बच्चे यहाँ आ सकें और सीख सकें कुछ इस तरह की टेक्निक्स कि जिससे उनका जीवन सहज हो सके, तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का विषय होगा। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत धन्यवाद था।